भागवत पुराण तृतीय स्कंद 18वां अध्याय हिरण्याक्ष के साथ वाराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अर्थात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वारा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वारा जी से कहा, अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहे जा रहा था छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए, जैसे ग्रह की चोट खाकर हाथिनी सहित गजराज जब उसकी चुनौतियों का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्रह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा कामना करने योग्य है? भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। अब यहाँ पे है कि जब उसकी चुनौती को
चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे। तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया और वज्र के समान कड़क 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 कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा कामना करने योग्य है? भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किया था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। तुष्ट वीर पुरुष पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म शलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुरा कर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुम जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं? तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उघेर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस तुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, फिर जब वह क्रोध से होकर होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत
क्रोध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गो के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वाराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण ने वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है काम है, तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौ तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोर का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांपों से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ पड़ी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर
लोगों को शांति प्रदान कीजिए।